संजय दत्त की जेल जाने से आखिर क्या है द कपिल शर्मा शो का कनेक्शन। प्रस्थानम का प्रमोशन करने पहुंचे संजू बाबा का बड़ा खुलासा। नमस्कार, कपिल शर्मा शो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन चुकी है। इस शो में आकर स्टार्स अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को यहां प्रमोट करते हैं, जिनके जरिए फैंस और सेलिब्रिटीज के बीच का गैप खत्म हो जाता है। इस शो के जरिए न सिर्फ फैंस अपने सेलिब्रिटीज के क्लोज आते हैं, साथ ही सेलिब्रिटीज अपने फैंस को खूब एंटरटेन भी करते हैं। इस शो के जरिए द कपिल शर्मा शो को मोस्ट सक्सेसफुल कॉमेडी शो के रूप में स्मॉल स्क्रीन पर देखा जाता है। शो में स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, फिल्म फ्रेटर्निटी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग शो में चार चांद लगाते हैं। हालांकि एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर द कपिल शर्मा शो से काफी सालों से गायब थे, वो है संजय दत्त। हालांकि अब संजय दत्त ने काफी समय बाद वाइफ मान्यता दत्त के साथ शो में विजिट करने का डिसाइड किया। संजय दत्त ने अपनी अपकमिंग फिल्म प्रस्थानम के पूरी टीम के साथ शो के एक एपिसोड के लिए शूट किया। संजय दत्त अपनी पत्नी के साथ शो को एंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान शो के होस्ट कपिल शर्मा ने उनसे पूछा शो से डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रखा था। संजय दत्त ने कहा कि उनका स्टार मैच नहीं करता था, इसलिए नहीं आए। संजय दत्त ने पहले बताया था कि जब से ये शो शुरू हुआ था उस दौरान वो जेल में थे और जब जेल से बाहर आए तो शो बंद हो चुका था। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि संजय दत्त ने लोगों का दिल जीत लिया। वर्क फ्रंट की बात करें तो संजय दत्त जल्द प्रस्थानम में नजर आने वाले हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मनीषा कोयराला, जैकी श्रॉफ, अली फजल और सत्यजीत दुबे अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।